उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, जिसको लेकर लोगों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार की बात कही है। इसी कड़ी में सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो इसकी जांच सरकार को जरूर करनी चाहिए और इलाहाबाद कोर्ट को इस मामले पर सुनवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही एपी सिंह ने कहा कि बगैर मामले की जांच हुए पंचायत चुनाव होता है तो वो संदेह का विषय है। आपको बता दें कि डॉक्टर एपी सिंह ने याचिकाकर्ताओं से कोर्ट में मामले की याचिका देने की अपील की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मामले की याचिका कोर्ट में जल्द से जल्द देनी होगी ताकि मामले पर सुनवाई की जा सके। इस पंचायत चुनाव को लेकर जो आपके सवाल हैं, उनमें साफ तौर में कह रहा हूं, यदि भ्रष्टाचार हुआ है, यदि भ्रष्टाचार के आधार पर सीटों का बंटवारा प्रशासन ने किया है तो वो जांच का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार को बस गहनता से जांच करानी चाहिए और उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को भी उस पर सुनवाई करनी चाहिए। दूसरी बात, जब तक आपत्तियों का, जो ऑब्जेक्शन है, उनका निस्तारण नहीं होगा, डिस्पोजल फेयर निस्तारण, निष्पक्ष रूप से निस्तारण नहीं होगा, तब तक वो डाउटफुल है और उस आधार पर कराया गया चुनाव खुद में संदेहास्पद रहेगा, संदेहपूर्ण रहेगा। कुछ लोगों की इसी बात को लेके मांग है कि हम बहिष्कार करेंगे चुनाव का। कुछ गांव से ऐसी बातें आ रही हैं, फोन कर रहे हैं लोग कि हम पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके में यदि चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, सबसे छोटी और सबसे मजबूत संस्था जो पंचायत प्रधान और है, उसका अगर बहिष्कार किया जाएगा तो वो भी सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, शासन के लिए बहुत ही गलत रहेगा, लोकतांत्रिक पद्धति के लिए, सिस्टम के लिए गलत रहेगा। इसलिए यह है कि जब तक सभी याचिकाकर्ता, इसमें याचिकाकर्ता क्या सोच रहे हैं, उसका हो जाएगा तो हमारा भी हो जाएगा। जब तक याचिकाकर्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिकाएं जो ऑब्जेक्शन के आधार पर नहीं पहुंचेंगी, नहीं फाइल करेंगे, नहीं सुनवाई करेंगे, तब तक बड़ा मुश्किल पड़ेगा। समय बहुत कम है, प्रथम चरण के चुनाव के नॉमिनेशन शुरू होने वाले हैं, छुट्टियां भी थी, होली भी मनानी थी, समय बहुत कम रखा है सरकार ने, निर्वाचन आयोग ने। इस परिस्थिति को देखते हुए सभी ऑब्जेक्शनकर्ता जो हैं, जिन्होंने आपत्तिकर्ता हैं, जिन्हें आपत्तियां हैं, जिन्होंने आंकड़ों के साथ अपनी आपत्तियां दी हैं, उनको बहुत शीघ्र से शीघ्र उसमें कार्रवाई करके आगे प्रोसीडिंग कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। कानून के सहारे से ही आप अपने अधिकारों को पा सकते हैं। जनप्रतिनिधि आपने देख लिए, आपने सरकार के अपने चुने हुए प्रतिनिधि देख लिए, वो आपकी नहीं सुनवाई कर पा रहे, कुछ ना कुछ उनकी मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कोई कारण रहे होंगे उनके, इसलिए वो नहीं कर पा रहे। इसलिए आपको अपने अधिकारों के, लोक जन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के आधार पर, पंचायत राज अधिनियम के आधार पर, लोकतांत्रिक तरीके से, इलेक्शन कमीशन के तरीके से, जो भी आपके पास ऑप्शन है, लीगल ऑप्शन है, कानूनी ऑप्शन है, उनको आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आकर याचिका लगाकर आपकी याचिका को अदालत सुनेगी। माननीय अदालत आपकी याचिकाओं को सुनेगी। उन्हें बहुत कंसर्न है इस बात से कि हमारी सबसे लोकतांत्रिक पद्धति है वो सफल है ग्रामीण स्तर की। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।